नमस्कारम। देवी मंदिरों की शक्तिपीठ श्रेणी में हम आज माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाने वाली माता बाला स्वरूप बहुचर माता की उत्पत्ति तथा उनकी सिद्धपीठ के बारे में बात करेंगे। माता का ये सिद्ध क्षेत्र गुजरात में चुवाड़ स्थान में है। चुवाड़ यानी 44 गांवों का समूह। यह प्रदेश का प्राचीन गाँव था देत्रोज, जो प्राचीन समय में दैत्यराजपुर नाम से जाना जाता था। यहाँ दैत्यों का वास था। यहाँ पर दैत्य दंडासुर ने उत्पात मचा के रखा था। तब ऋषि मुनि की प्रार्थना पर माता ने 8 वर्षीय बाला स्वरूप धारण कर दैत्य से युद्ध किया। माता के स्वरूप से भयभीत होकर दंडासुर मुर्गों के समूह में मुर्गे का रूप धारण कर छुप गया। माता ने अपनी ललाट के कुमकुम से सभी मुर्गों पर छिड़का, तब राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। माता ने राक्षस का त्रिशूल से वध किया। उपस्थित मुर्गों ने माता की प्रार्थना करी, तब माता ने उनको अपनी सवारी के लिए चुना तथा उनका कल्याण करा। वो प्राचीन चुवाड़ प्रदेश में माता का यह तीर्थ स्थान बहुचराजी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में धौम्य मुनि कहते हैं, स्थानम च पश्चिम भागे पंचकोश प्रमाण स्थिता बहुचरे शक्ति नैराणाम वीर्यदायिनी। माता सती का बाया हाथ यहाँ पर गिरा, इसलिए यह स्थान बहुचराजी के नाम से जाना जाता है। भगवती भागवत के अनुसार 108 शक्तिपीठों में यह स्थान 71वां शक्तिपीठ है। प्राचीन कहानी के अनुसार बहुचर माता के पिता बापल देथा तथा माता देवल आई थी। माता ने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन अवतार लिया था। चरण कुल में 4 बहनें, जिसमें बूट भवानी, बलाड़ माता, बहुचरा माता तथा बालवी माता थे। माता बहुचरा विचरण करते जब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तब बपैया नाम के खूंखार डाकू ने माता के काफिले पर हमला किया। तब माता ने डाकू बपैया को श्राप दिया कि वह सभी नपुंसक हो जाए। श्राप के कारण पूरी डाकू सेना नपुंसक हो गई। डाकुओं ने माता की माफी मांगी। तब माता ने उपाय बताते कहा कि जब वह सभी महिला की तरह श्रृंगार वस्त्र धारण कर माता की प्रार्थना करेंगे, तब शाप से मुक्त हो जाएंगे। तभी से किन्नर लोगों की यह इष्ट देवी कहलाने लगे। माता की दूसरी कहानी के अनुसार कालरी गांव के सोलंकी राजा को कई रानियां थी, बावजूद कोई भी संतान नहीं था। राजा वृद्ध हुए, तब उनके वहां एक पुत्री का जन्म हुआ, पर राजगद्दी चले जाने के डर से राजा रानी ने पुत्र जन्म की बात फैलाई तथा कन्या का पालन पुत्र की भांति किया तथा वो कन्या का नाम तेजपाल रखा। समय आने पर तेजपाल की शादी पाटन के राजा की पुत्री के साथ हुई। शादी के बाद राजकुमारी को तेजपाल की असलियत का पता चला, तब वो राजकुमारी अपने मायके पाटन साम्राज्य में वापस चली गई तथा वहां जाके सबको सच्चाई बताई। धोखा होने से बैल लेने के लिए तेजपाल को पाटन की राजकुमारी को वापस ले जाने के लिए बहाने से बुलाया गया। तेजपाल जब पाटन गई, तब तेजपाल के ससुर ने स्नान के लिए नदी किनारे जाने का निमंत्रण दिया। तब तेजपाल भेद खुल जाने के डर से लाल घोड़ी पर सवार होकर तलवार युद्ध करके नगर से भागी। पीछे सच्चाई तथा बदले के लिए पाटन साम्राज्य की सेना पीछे पड़ी। थकी हारी तेजपाल कई कोसों दूर भागी तथा थकी हारी माता के मंदिर के पास पहुंची। तब माता के मंदिर के नजदीक पर एक सरोवर देखा। वहां पानी पीने जाने ही वाली ही थी, वहां पर देखा कि कुत्ती तालाब में पड़ते ही कुत्ता बन गई। तब आश्चर्य से तेजपाल ने घोड़ी को पानी में उतारा, तब वो घोड़ी घोड़ा बन गई। तो कुत्ती को कुत्ता तथा घोड़ी को घोड़ा बना देख तेजपाल ने उस तालाब में स्नान किया, तब वो स्त्री के बदले पुरुष बन गई। माता के चमत्कार के कारण तेजपाल स्त्री से पुरुष बने। माता ने लाज बताई, इसीलिए माता के मान में संवत 777 में वो पेड़ के नजदीक माता की मूर्ति तथा मंदिर स्थापित किया गया। माता का प्राचीन स्थान वरखड़ी के पेड़ के नीचे था। वहां मंदिर बना तथा वो तालाब को बंद कर दिया गया। आज उसकी जगह पे मान सरोवर नाम का एक जलाशय बनाया हुआ है। माता का स्वरूप बहुचर माता के दाहिने बाजू तलवार तथा बाईं ओर शस्त्रों का पाठ है। निचले दाएं हाथ पर अभय मुद्रा तथा नीचे बाईं ओर एक त्रिशूल है। माँ ने मुर्गे पर सवारी करी है। माता का यह रूप 8 वर्षीय बाला का स्वरूप है।
एक बार मुगल सेनापति तथा सैन्य ने माता के मंदिर के नजदीक मुर्गे को मार के भक्षण किया। तब माता ने मध्य रात्रि को सैनिकों तथा सेनापति का पेट फाड़ के मुर्गे को जीवित करके अपनी शक्ति का प्रमाण दिया था। लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर मुर्गे माता की सवारी के लिए मंदिर में खुला छोड़ते हैं। माता बहुचराज जी एक जागृत शक्तिपीठ है। माता ने कई भक्तों की समय समय पर सहायता करी है। माता का वैसे ही एक अनन्य भक्त थे जिनका नाम था वल्लभ भट्ट। वल्लभ भट्ट तथा धोला भट्ट माता के परम भक्त थे। आसो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन नवरात्रि के समय में माता फुलकोरबाई तथा पिता हरिराम भट्ट के वहाँ जन्म लिया था। भट्ट मेवाड़ा ज्ञाति के ब्राह्मण थे। बचपन में 5 वर्ष की उम्र से ही उनने माता की भक्ति शुरू करी। माता की भक्ति से 13 वर्ष की उम्र में माता ने उनको दर्शन दिया। माता के दर्शन से भट्ट जी को बहुत आनंद हुआ। माता ने उनको वरदान देने के लिए पूछा। तब वल्लभ भट्ट ने कहा, माँ आपके दर्शन से तो जो आनंद हुआ वो सभी को प्राप्त हो। तब माता ने वल्लभ भट्ट की जिह्वा में वास किया। माता की कृपा से कवित्व शक्ति से वल्लभ भट्ट ने विक्रम संवत 1709 में फाल्गुन सुद तीज के दिन बुधवार के दिन आनंद के गरबे की रचना करी। यह गरबे में कुल 118 पद छंद समूह का समावेश है। एक बार वल्लभ भट्ट मेवाड़ के श्रीनाथ जी मंदिर गए, तब मूर्ति को देखकर माता कहा। पंडितों ने कहा कि ये श्रीनाथ जी है, पिताजी है, माता नहीं। परंतु भट्ट जी ने माता का ही संबोधन किया। तब लोगों ने उनको अपमानित किया। दुख से वल्लभ भट्ट ने भोजन ग्रहण नहीं किया। रात में माता बहुचरा ने प्रकट होके भोजन का थाल दिया। तब भट्ट जी ने कहा, माँ मुझे तो आप ही मूर्ति में नजर आए, माँ सब मेरी हांसी कर रहे हैं। माता ने भक्त को आश्वस्त किया। सुबह जब पुजारी ने मंगला आरती के लिए द्वार खोले, तब भगवान श्रीनाथ जी के मस्तक पर जूड़ा तथा नाक में नथनी पहनी थी तथा चुनरी धारण करी थी। पुजारी भक्त की भक्ति को पहचान गए तथा वल्लभ भट्ट के पैरों में नतमस्तक हो गए। वल्लभ भट्ट की भक्ति की परीक्षा करने के लिए गांव के लोगों ने ठंड के मार्गशीर्ष महीने में आम का रस तथा रोटी का भोजन मांगा। तब माता बहुचरा जी की सहायता से यह भोजन लोगों को खिलाया गया। भक्त की लाज माता ने हमेशा रखी है। माता ने अपनी शक्ति का प्रमाण समय समय पर दिया है। बहुचरा जी में माता के मंदिर के पास ही वल्लभ भट्ट का प्राचीन घर है। आज वल्लभ भट्ट की 9वीं पीढ़ी पूजा पाठ में कार्यरत है तथा माता जी की सेवा कर रहे हैं। उनका माता जी के साथ ऐसा उठना बैठना था कि वो स्वयं उनके साथ बात करते थे, उनके साथ खाना भी खाते थे, ऐसी उनकी प्रचलितता है। अच्छा। और द्वाला दोनों ट्विन ब्रदर थे। हाँ। जिनकी 1696 आसो सुद आठम दुर्गाष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था। और एक ऐसा भी है कि उनका जो मातृलोक में गया वो जो समय था वो भी आसो सुद आठम दुर्गाष्टमी ही है। वो विक्रम संवत 1807 में उनका मातृलोक में गए थे। ऐसे टोटल 111 साल की उनकी उम्र थी। 111 साल उन्होंने आयु बिताई थी। हाँ जी, हाँ जी। और वल्लभ द्वारा के पिताजी का नाम हरिराम था और माता जी का नाम फूलकोरबाई था। जी। और बचपन से माता जी के बहुत परम भक्त थे। बचपन से माता जी के बहुत परम भक्त थे। हम उनके नौवें अवतार है कल्पेश भाई पर। जय बहुत। तत्कालीन मंदिर 1783 में वास्तुशास्त्र के अनुसार मानाजीराव गायकवाड़ जी ने बनवाया था। परिसर में 3 मंदिर हैं। एक है आद्य स्थान, दूसरा है मध्य स्थान तथा तीसरा है मुख्य स्थान, जहां स्फटिक का श्री बाला यंत्र है। मंदिर की रचना ऐसे करी गई है जैसे कि वल्लभ भट्ट अपने घर से माता का दर्शन कर सके। मंदिर में नारसंगवीर, महादेव जी, गणेश जी स्थापित है। मानसरोवर कुंड भी उपस्थित है। मंदिर में 3 बाला यंत्र है। प्राचीन वरखड़ी का पेड़ जिसके नीचे माता की मूर्ति स्थापित करी गई है। माता का दूसरा स्थान 3 किलोमीटर दूरी पर संखलपुर में स्थित है। माना जाता है कि माता संखलपुर से बहुचरा जी आए थे। बहुचर माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। विशेषकर निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की आशा से माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं।
यहाँ किन्नर समुदाय के लोग अक्सर विशेष पूजा तथा अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। कई सिद्धांतों के अनुसार श्री चक्र की देवियों में से एक देवी बाला त्रिपुरा सुंदरी है तथा इनका असली प्रतीक कुरकुट है, जिसका अर्थ है दो मुंह वाला नाग। इनकी आराधना से कुंडलिनी जागरण शुरू होता है, अततः मुक्ति तथा मोक्ष की ओर माता ले जाती है। मंदिर कैसे पहुंचे? बाय एयर। मंदिर का नजदीकी एयरपोर्ट अहमदाबाद में स्थित है। वहां से मंदिर की दूरी 103 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से कई बसें तथा टैक्सियां उपलब्ध है। बाय ट्रेन नजदीकी बड़ा जंक्शन मेहसाणा है, वहां से मंदिर 38 किलोमीटर की दूरी पर है। बाय रोड गुजरात के कई स्थानों से यह स्थान के लिए बसें तथा टैक्सी उपलब्ध है। आशा है प्रस्तुत जानकारी आपको पसंद आए। यह कथा से हम प्रेरणा लेते हैं कि जैसे माता बाल स्वरूप में है, वैसे ही अन्य बालाओं का हम आदर सम्मान तथा पूजन करें। प्रस्तुति देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही धार्मिक देवी मंदिरों के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें डिवाइन देवी को। तब तक के लिए नमस्कार।